स्वागत है दोस्तों टेल द होराइजन में। मेरा नाम है निहाल और आज मैं तुम्हें लेकर आया हूँ नथुड़ा पोहा सेंटर मालवीय नगर जयपुर में। जयपुर में पोहे का नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस है तो सब लोग करना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को जयपुर के सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोहा दिखाने और उनके बारे में बताने। तो यहाँ पे 40 तरह के पोहे मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे जयपुर में। तो चलो यार अपन देखते हैं पोहा मिलके और कवर करते हैं कैसा लगता है पोहा, मैं आपको खा के बताता हूँ। और जो पोहा बना रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं सीधा कि कौन से तरह के पोहे उनके सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो चलिए यार दोस्तों चलते हैं पोहा खाते हैं और देखते हैं पोहे। सर आप बात करते हैं उनसे जिनके हाथ में स्वादिष्ट पोहे का जादू है, तो सर क्या नाम है आपका? प्रिंस जन। तो आप कितने साल से पोहा बना रहे हैं? मैं तो बाद में हो गया, पहले मेरे पिताजी लेके आए थे जयपुर में 2002 में लेके आए थे। पहले हमने लगाया था 5 बत्ती से सिंपल पर, उसके बाद भी मालनगर आए थे तो मालनगर हम गलत स्कूल पे लगाते थे पहले। अब वहाँ पर फ्रेश पीस की कम से कम 7 रुपये और 10 रुपये वो फ्रेश थी सिंपल कोई ओनली। तो उसके बाद वहाँ से अटने के बाद 17 सामने लगाया था, 14 साल का सामने लगाया था पापा ने। तो वहाँ पर कोई जलेबी चलता था सामने, तो वहाँ पर फ्रेश थी उस टाइम पर 10 रुपये 15 रुपये ठीक है। उसके बाद में वहाँ से हटाने के बाद में हम यहाँ आ गए थे। तो बाद में फिर मेरे को बोला पापा ने कि बेटा तू सामान सेंटर में चल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ना मतलब मेरे को ना इसमें डिश जो बनानी है ना तो मेरे को जयपुर का अलग अलग वैरायटी के पोहे खिलाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो फर्स्ट टाइम पर मैंने इसमें नई नई लॉन्च निकाल की 7 वैरायटी ओनली, पनीर चीज और पनीर चीज सिंपल ऐसे तरीके से मतलब 7 वैरायटी निकलती है। उसके बाद धीरे फिर मैंने आगे प्रोसेस किया, उसके बाद में फिर हो गई उसके बाद 17 वैरायटी। मैं क्या हर साल चेंज करने लग गया, अभी पिछले साल जो था उसमें ओनली 28 वैरायटी थी, अब जो नया साल आया था उसमें मैंने इसमें 41 वैरायटी की हुई है। तो अभी 41 तरीके के पोहे मिलते हैं आप 41 तरीके। तो यार ये 2 पोहे बनवाए थे, चीज़ बटर मसाला पनीर है और ये चीज़ पनीर है। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसे, और आप आना और आप भी खा के बताना आपको कैसे लगे। और एक बार आप पास आके देखेंगे तो ये पूरी तरह भरा हुआ है पोहा एकदम, हर चीज़ से कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो हर चीज़ अच्छी मात्रा में मिलेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी आपको यहाँ पे। तो चलो मैं टेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ टेस्ट। ये देखो यार चीज़ है तो कितना एकदम चीज़ है इसके अंदर। तो आप टेस्ट करते हैं पर इसको यार आंखें बंद हो जाती है इसको खाने के बाद टेस्ट के मारे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है और हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आ रहा है जो डाला है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के, आप लोग आइए और खाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अब मैं इसको पूरा ख़त्म करता हूँ, आप तब तक आंखें का वीडियो देखो। तो यार हम यहाँ पे जो रेगुलर खाने आते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसे लगते हैं उनको पोहे का, कितने टाइम से वो आ रहे हैं। तो भैया आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं खाने? तो 5 साल से आ रहे हैं। और कैसे लगते हैं आपको इनकी वैरायटी का, थोड़ा सा आप बता पाए व्यूअर्स को ताकि वो भी आए। इनके पोहे भैया वर्डिंग में तो बता ही नहीं सकते, लास्ट जो आप खा के देखोगे तो बात चलेगा, पर लास्ट जो है मैं हमेशा रैंडम ट्राई करता हूँ ताकि मिक्स रेगुलर खाता हूँ हमेशा। आज भी मेरे से जैसा हुआ कि आज मैं जयपुर अजमेर से जयपुर आया हूँ, जयपुर से पहला स्टॉपर मैंने यही लिया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक पे जाऊँगा। तो ये भी है यहाँ से बाहर से भी खाने आते हैं पोहे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इनके। तो इनको जैसा सही बोला इन्होंने, मैं भी शब्द में तो बयान नहीं कर सकता हूँ पोहे का टेस्ट। आप आइए और खाइए खुद देखिए और कमेंट करके बताना कैसे लगे पोहे शब्दों में। तो सर क्या नाम है आपका, कब कौन सा पोहा खा रहे हो? सर मेरा नाम पंकज है एंड मैं डाइटिंग पोहा खा रहा हूँ अभी। अच्छा तो इसका क्या स्पेशलिटी है? प्रॉपर इसमें प्रोटीन है, फुल प्रोटीन है एंड जिम के सारे यहीं पे इनके आते हैं भैया, भैया वगैरह सारे यहीं पे जिम के आते हैं और प्रॉपर प्रोटीन है पूरा, ये प्रोटीन से भरा हुआ है एंड इसमें कैलोरीज वगैरह सब इसमें है। तो यार यहाँ पे जो जिम जा रहे हैं डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी पोहा है स्पेशल डाइटिंग पोहा, वो भी ये मेन जिम के लिए ही है। तो जो जिम जा रहे हैं वो यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो आप कितने साल से कितने टाइम से खा रहे हो? सर मैं 3 महीने से खा रहा हूँ। अच्छा तो आपको टेस्ट कैसा लगा एकदम? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास टेस्ट है सर, एक बार खाओगे बार बार खाओगे ऐसा टेस्ट है इनका। देख रहे हैं इनका भी ऐसा रिव्यू है एकदम बढ़िया। तो आप भी आओ और आके बताओ। हाँ तो दोस्तों मैंने भी बटर चीज़ मसाला खाया है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा है, अनार चुकंदर और मेरे को कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो भी थे उसमें, तो मेरे लिए तो चेरी ऑन द केक था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वेराइटीज़ बहुत सारी हैं, मतलब
हर तरह के लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया जाएगा टेस्ट के मामले में, तो जरूर आइए और खाइए, और जैसा हम लोगों ने एंजॉय किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो यार एक कस्टमर है जो बहुत पुराने हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा पुराने मिले, हम उनसे भी बात करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि कब से आ रहे हैं और कैसा उनका टेस्ट है। तो सर कब से आ रहे हैं आप और कैसा टेस्ट लगता है आपको? अराउंड 7 साल हो गए इनके फादर पहले मालवीय नगर में पोहे लाने वाले, पहले इनके फादर अच्छा उनके एक सेक्टर में लगाते थे, अब ये यहाँ पे आए पहले तब से खा रहे हैं। तो तब से टेस्ट आपको एकदम उनका अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार देखो सबके ऐसे रिव्यू है, ये 7-8 साल से खा रहे हैं और वो एक जो आप मैंने बताए थे 5 साल से और ये भैया 3 साल से, तो आप भी जब आओगे तो खाओ और आप फिर हमेशा यहीं के पोहे खाओगे। तो आइए खाइए और प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे ज़्यादा फेमस या बिकने वाला पोहा ज़्यादा एक तो ये चीज़ पनीर होता है, और जो आपने ट्राई किया था अभी चीज़ बटर मसाला इन पनीर वो हो गया, सोया स्टिक स्पेशल हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, और चीज़ जो एक्सल में चलता है वो होता है ज़्यादातर, जैसे पनीर डबल एक्सल हो गया, चीज़ डबल एक्सल हो गया, चीज़ बटर मसाला डबल एक्सल हो गया, पनीर वेजिटेबल हो गया, उसमें भी डबल एक्सल चलता है। डाइटिंग वाले आते हैं तो डाइटिंग वाले में अलग से चलता है और अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर जैसे भी डिसाइड करते हैं। और आप कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? मैं 8 बजे आ जाता हूँ और 12:30 एक। अच्छा ठीक है, मतलब आप सुबह 8 से 12:30 बजे। और आप अगर अपने मतलब लोगों को बताना चाहें किस जगह पे, तो आप पता भी बता दीजिए खुद ही, ताकि वो खुद आए। सेंटर मालवीय नगर सेंटर टेम्पो स्टैंड के जस्ट सामने, तो ठीक है ये इनके पिताजी हैं और इन्होंने स्टार्ट किया था पोहा, मेन यही। और अभी इन्होंने जगह बता दी आपको, मैं वीडियो में भी लोकेशन दिखा दूंगा किसके आसपास है, और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा ताकि आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। एक स्टॉल हमारा वहाँ लगता है चौकीदारी पार्टी का, मैं नई चौराहे पे आप भैया लगा वो भी ना पड़ा पोहे। तो सर हमें बहुत अच्छा लगे आपके पोहे, थैंक यू सो मच, और हम आते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो यार ये नकोड़ा पोहा सेंटर की मैं आपको लोकेशन वीडियो से भी बता देता हूँ, मालवीय नगर में केलगिरी हॉस्पिटल के पास है, ये सत्कार मार्केट है और सामने ही जस्ट ऑटो स्टैंड है और उसके बगल में स्टॉल्स हैं, उसके जस्ट सामने है नकोड़ा पोहा सेंटर और लैंडमार्क लिए वापस उसकी राइट में साइकिल की दुकान है और ये टी पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप आइए और खा के जाइए 41 तरीके के 40 तरीके के खूब स्वादिष्ट पोहे। तो यार ऐसा था पोहा और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था, बहुत अलग अलग तरीके के पोहे हैं, आपको जिस प्रकार का पसंद हो आप आके लीजिए खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरे दोस्त को भी बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा वीडियो बताओ, और आके पोहा खाओ, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।